ये एक टॉपिक है मेमोरी बैंक्स का, एंड ये वेक्टर प्रोसेसर्स के ऊपर है। अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम में वेक्टर आर्किटेक्चर भी लिखा हुआ है। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड 12 का हिस्सा है। ये थोड़ा सा आप इनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इनको देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग मेमोरी बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग मेमोरी बैंक्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा कि मेमोरी बैंक्स क्या होते हैं। तो मैं उसकी मेमोरी बैंक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, लेकिन मैं वेक्टर प्रोसेसर्स के पर्सपेक्टिव से मेमोरी बैंक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूंगा। और मैं इस हवाले से बात करूंगा कि हमें कितने मेमोरी बैंक्स चाहिए होते हैं अगर हम लोग, यानी कि एक वेक्टर प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम क्या इफेक्ट फीचर्स को और क्या फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये इस तरह स्लाइड पर लिखा हुआ है, तो मैं इन स्लाइड्स के मुताबिक चलना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी सबसे पहले ये है कि मेमोरी सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू सपोर्ट हाई बैंडविड्थ फॉर वेक्टर लोड्स एंड स्टोर्स, ठीक है। अगेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेक्टर प्रोसेसर्स एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट वेक्टर लोड्स एंड स्टोर्स आर, ठीक है। तो वेक्टर लोड्स एंड स्टोर्स अमूमी तौर पर वी आर टॉकिंग नाउ मेमोरी ऑपरेशन, लेकिन दीज आर ऑपरेशन फ्रॉम ए वैक्टर रजिस्टर टू द मेमरी या फ्रॉम द मेमरी टू अ वैक्टर रजिस्टर। तो जिसका कंटेंट होगा वो अमूमी तौर पर एक मजमुआ होगा चीज़ों का, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके कि वैक्टर क्या चीज़ है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन अरे। सो इफ आई एम लोडिंग ए वैक्टर, तो मेरा लोड ऑपरेशन ऐसा है जिसके अंदर मेरी सोर्स जो है वो मेमरी का एक एड्रेस है, और जो उसका डेस्टिनेशन है वो एक वैक्टर रजिस्टर है। तो वो कोई एक वैल्यू नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी वैल्यूज होंगी, एक अरे ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं भी किसी वेक्टर को किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता हूँ, तो मैं कोई एक रजिस्टर की एक वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि तमाम वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि उस वेक्टर के अंदर मौजूद है। और जो स्टोर का मैंने एड्रेस सिग्निफाई किया होगा, दैट एड्रेस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरेज, ठीक है। तो जिस जगह से वो स्टोरेज करना शुरू करेगा, यानी कि अगर मेरे पास ये मेमोरी को लोकेशन है, ठीक है, और इस जगह पे कहीं पे वो यानी कि ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस होगा, दिस वुड बी द एड्रेस, ठीक है, व्हेन आई एम राइटिंग टू इट, ठीक। सो लेट्स सी ओके व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द लोड एंड स्टोर वेक्टर यूनिट इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द अरिथमेटिक फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। दैट शुड बी क्लियर, बिकॉज इसके अंदर आपकी जो मेन मेमोरी है उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक फैक्टर एक रोल प्ले करती है, कैशेज जो हैं वो एक रोल प्ले करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट इन डिस्कसिंग द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट लेट्स से इट इज कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांसलेट्स इन टू वेरी हाई लेटेंसीज, यानी कि टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू स्टोर और लोड, ठीक है, वेक्टर which you can imagine and understand, ठीक है। तो unlike simpler functional units, the initiation rate may not necessarily be one clock cycle because memory bank stalls can reduce effective throughput. Fair enough, ठीक है। Now this is the important thing: to maintain an initiation rate of one word fetched or stored per clock. मैं again repeat करता हूँ कि इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो rate हो वो हो one word fetched or stored per clock, ठीक है। The memory system must be capable of producing or accepting this much data. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशिएशन रेट है पर क्लॉक का, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। और हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो मेमोरी है जो उस सिस्टम उस कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई हो, उसको उस रेट को मैच करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे ख्याल इसमें जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप वैक्टर स्टोर करेंगे या वैक्टर लोड करेंगे, ठीक है, लोडिंग from the main memory or storing to the main memory, then you are actually talking about storing or writing on a number of locations, multiple locations on the main memory, ठीक है। And if you are talking about loading, then you are talking about reading from multiple locations on the main memory, and ideally you want to do it at the rate of one word per clock, ठीक है ना, at the very least. तो इसको किस तरह से सॉल्व किया सकता है यूजिंग मेमोरी बैंक्स, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मेमोरी बैंक्स, लाइक आई सेड हमने मेमोरी के बारे में डिटेल में बात की है। तो स्प्रेडिंग एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल इंडिपेंडेंट, नाउ इंडिपेंडेंट इज द कीवर्ड हियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स यूजुअली डिलीवर्स द डिजायर्ड रेट, ठीक है। नाउ दिस इज अ गारंटी, देयर इज ऑब्वियसली लिटरेचर बिहाइंड इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी
literary proof at this point, so you can take my word for it out with the word of your book. Okay? Most vector processors use memory banks, which allows multiple independent accesses, okay? Rather than simple memory interleaving. Obviously, तो हम लोग interleaving memory तो नहीं कर रहे, हमारे पास important चीज ये है कि we have मल्टीपल इंडिपेंडेंट एक्सेसेस, ठीक है. इसमें आप देखेंगे दो तीन बातें, इसमें जो दो तीन तीन फैक्टर्स जो हम देखेंगे वो रेलेवेंट है. नंबर वन के मेनी वेक्टर कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीपल लोड स्टोर्स पर क्लॉक, ऑब्वियसली, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू दिस पॉइंट टू सपोर्ट साइमल्टेनियस एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल लोड स्टोर्स द मेमरी सिस्टम नीड्स मल्टीपल बैंक्स एंड टू बी एबल टू कंट्रोल द एड्रेसेस टू द बैंक्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है. तो नीड मल्टीपल बैंक्स टू बी एबल टू, मेरे ख्याल से एंड को रिडंडेंट कर लेते हैं, सो नीड मल्टीपल बैंक्स, इसको मैं काट देता हूँ, टू बी एबल टू कंट्रोल द एड्रेसेस टू द बैंक्स इंडिपेंडेंटली, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है. सेकंड चीज ये है कि मोस्ट वेक्टर प्रोसेसर सपोर्ट द एबिलिटी टू लोड एंड स्टोर डेटा वर्ड्स दैट आर नॉट सिक्वेंशियल, ठीक है. नाउ ये भी दे मे सीम सिक्वेंशियल फॉर अस समटाइम्स, बट दे आर नॉट नेसेसरली सिक्वेंशियल, सो वी कैन नॉट हैव इंटरलीविंग, ठीक है. ये जब लिखा हुआ है, ठीक है, हमें चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली एड्रेस कर सकें. सो इट इज पॉसिबल दैट थिंग्स दैट आर बीइंग रिटन दैट आर पार्ट ऑफ ए वेक्टर आर गोइंग टू बी रिटन एट डिस्टिंक्ट लोकेशंस एंड दे आर नॉट सीक्वेंशियल, ठीक है. तो इंटरलीविंग इज नॉट एनफ, बट इफ इट्स नॉट सीक्वेंशियल, बिकॉज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी नीड इंडिपेंडेंट राइटिंग एबिलिटी. अगर सिक्वेंशियल होंगे तो आपके पास इस तरह की मैकेनिज्म भी होता है कि आप स्टार्टिंग एड्रेस उसको बता दें मेन मेमोरी को और आप कहेंगे जी आई एम सेंडिंग यू दिस मच लोड एंड यू कैन राइट इट ऑन टू द होल memory from that point onwards. But if it's physically being stored at different locations, you need independent access, you know, the capability at least to access independent locations independently. Okay? And the last point is that most vector computers support multiple processors. Now that's the other thing. So which this is a scenario we haven't talked about. So we have talked about the fact, abhi tak humne jo dekha tha, aur lecture mein jo last lecture tha hamara, वो ये था कि हमारे पास एक वेक्टर प्रोसेसर है और उसमें जो है यानी कि हमारा कंप्यूटर है उसमें एक हमने सिंगल प्रोसेसर, लेकिन वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वी आर वर्किंग विद वेक्टर्स, ठीक है. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि काफी सारे जो वेक्टर कंप्यूटर होते हैं वो उनमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, दे हैव मल्टीपल कोर्स एंड दे हैव टू शेयर द सेम मेमोरी, तो ईच प्रोसेसर विल बी जनरेटिंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस, ठीक है. तो दैट शुड बी फाइन. सो इफ इमेजिन ए वेक्टर प्रोसेसर, वेक्टर प्रोसेसर दैट हैज द एबिलिटी टू यू नो टॉक टू मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो हमने अभी तक देखा था कि डेटा लेवल पैरेललिज्म है इसके अंदर, ठीक है, दिस इज वेयर द डेटा लेवल पैरेललिज्म कम्स इन. आप लोग असाइनमेंट भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद इट, ठीक. तो इन कॉम्बिनेशन दीज फीचर्स लीड टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेमरी बैंक्स as the following example shows, theek hai, ek example dekhte hain, this is example is very important, theek hai. So the largest configuration of a vector computer has 64 processors, theek hai, ye ek sawal hai. To hamare paas ek configuration hai kisi vector computer ka, uske andar 64 cores lage hue hain, theek hai, and each is capable of two loads and two stores, theek hai. To 64 processors hai, har ek jo hai wo do simultaneously, ye per clock hai, theek hai, to per clock, but it means is that each one of them, यानी हर एक जो है उसमें काबिलियत है दो लोड्स एंड दो स्टोर्स साइमल्टेनियसली करने की, ठीक है, यानी एक ही वक्त पे ये चार मेमोरी ऑपरेशंस कर सकता है. एंड द प्रोसेसर क्लॉक साइकिल इज 3 नैनो सेकंड्स, एक जो इंस्ट्रक्शन सॉरी क्लॉक साइकिल है, रादर एक क्लॉक साइकिल जो है आपके प्रोसेसर का वो 3 नैनो सेकंड है, ठीक है. और यहाँ पे देखें जी, साइकिल टाइम ऑफ द एस रैम जो कि इस्तेमाल में हम ला रहे हैं वो है 15 नैनो सेकंड्स, सो इट टेक्स 15 नैनो सेकंड्स फॉर द प्रोसेस यू नो फॉर समथिंग टू बी रिटन और रेड फ्रॉम द एसरैम. कैलकुलेट, अब सवाल ये है, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ मेमोरी बैंक्स रिक्वायर्ड टू अलाउ ऑल प्रोसेसर्स टू रन एट फुल मेमोरी बैंडविड्थ. तो फुल कैपेसिटी पे रन करने के लिए हमने पहले भी बात की, अगर आप याद कर अभी देख लीजिएगा दोबारा से, हम ये बात कर रहे हैं कि मेमोरी की जो तादाद है या मेमोरी बैंक्स की तादाद है वो इतनी होनी चाहिए जो कि इस सिस्टम को सपोर्ट कर सके. हमने जो जितनी एग्जाम्पल्स पहले की थी उसमें हमने बात की थी सिंगल कोर की, लेकिन यहां पर हम बात करें 64 कोर की. तो ऑब्वियसली हम देखते हैं आगे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ कोर्स हो, एक हो या 16 हो, 32 हो, 64 हो, तो आप उसको मेरे ख्याल से हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये इस एग्जांपल को देखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है. अगर आप गौर करें जो मैंने चीजें बोल्ड की हुई है, दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर आर 64 प्रोसेसर्स, ईच प्रोसेसर कैन कंप्यूट 4 मेमोरी ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है. इसका मतलब है कि आप खुद बताएं कि हम लोग कितनी
memory operations simultaneously कर सकते हैं? How many memory operations can be run simultaneously? If you have 64 processors and everyone can do 4 memory operations simultaneously, the answer is obvious. We can have 64 times 4, that is 256 simultaneous memory operations. That is what this system is, this vector computer is capable of, this one. Okay? Furthermore, ek processor cycle jo hai, wo 3 nanosecond ka hai. Aur hamare जो मेमोरी ऑपरेशन है वो 15 नैनो सेकंड लेती है, तो 15 नैनो सेकंड को 3 नैनो सेकंड से मैं डिवाइड करूंगा, इसका मतलब है कि क्लॉक साइकिल के टर्म्स में 5 क्लॉक साइकल्स मुझे चाहिए फॉर एवरी मेमोरी ऑपरेशन, राइट? सो एवरी मेमोरी ऑपरेशन इज गोइंग टू टेक 5 क्लॉक साइकल्स, ठीक है? तो ये हमारे पास, नाउ वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली टू कंप्यूट हाउ मेनी मेमोरी बैंक्स वी नीड फॉर यू नो टू रन द सिस्टम एट फुल बैंडविड्थ, ठीक है? विच इज at the minimum we need 5 times 256, this is the 256, ठीक है? तो 256 memory banks हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम हर clock cycle पे, ठीक है? तो किसी एक clock cycle, तो हमारी capability ये है, तो हर clock cycle पे अगर हम memory operation चाहते हैं कि हो रही हो, और I'm not saying, याद रखिएगा कि हर वक्त ऐसा हो रहा होगा, but this is the absolute maximum load. And if I want to utilize the system for the absolute maximum load, I can compute. मेरी compute capability के perspective से अगर मैं अपने system को maximum memory access, and remember once again that this the architecture and the paradigm we are talking about is data level parallelism, DLP systems की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसको मैं we are talking about massive memory operations simultaneously, ठीक है? तो एक तरफ कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होगी लेकिन साथ में हमारे पास मेमोरी बैंक्स की तादाद इतनी होनी चाहिए ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है? तो इसकी इस तरह से मिसाल लेने की, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी क्या मिसाल ले सकते हैं, यानी कोई शख्स जो है वो फर्ज करें कि जी आई डोंट नो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स से कि एक शख्स जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो 4 चूल्हों पर काम कर सकता है, ठीक है? 4 चूल्हों पे काम कर सकता है, तो ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 4 चूल्हों पे काम कर सकता है. लेकिन अगर उसके सामने जो है वो 2 चूल्हे हों, ऐसा स्टोव हो, ऐसा यानी कि वो जिसके ऊपर सिर्फ 2 चूल्हे हों, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इवन दो दैट पर्सन हैज द कैपेबिलिटी, लेकिन ही डजंट हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टोव, ठीक है? तो इसी तरह से ये है कि हमारा जो प्रोसेसर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ that many operations, ठीक है, per cycle. लेकिन so for you know for the system to actually pull it off, you need that many memory banks to support the architecture, ठीक है? And therefore for the utilization for the maximum possible load, the system needs 1280 memory banks. Obviously, it will not be 12. It will not be 1280, ठीक है? There will be some factor of यानी कि power of 2, ठीक है? तो 256 होगा 1 2, अक्सर आप देखेंगे कि ये पॉसिबली 1280 भी हो सकता है, ठीक है? दिस कुड बी समथिंग इन दैट फिगर, ठीक है? हाउएवर आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड देयर इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज इन योर बुक एज वेल, ठीक है? तभी किताब के अंदर ये एग्जांपल मौजूद है व्हिच इज अ सिमिलर एग्जांपल, लेकिन इसमें दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर द क्रेट 290, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा, लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस वन एज वेल, the one I've done before, and I hope you get the concepts, theek hai? If you still have any questions with regards to you know anything that you are studying, mera class ko paigham hai, to aap mujhe email ke zariye jo hai koshish karein ki aaj ya kal mein bhej dein, theek hai? To I will hopefully record and upload a video response or even a written response to any questions that you have, theek hai? So for last but not the least, ye व्हाट वी अभी अपने साइट्स आज देखी हैं मेरे साथ, ये सारी की सारी जो है वो मैंने शेयर कर दी है इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, स्लाइड 12 का हिस्सा है, प्लीज आप उसको जाके देख लीजिएगा. तो आई होप दैट वर्क्स आउट फॉर यू, ठीक है? एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम्स. थैंक यू.